मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर भले ही प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया हो, लेकिन गैंगस्टर का खौफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दबंग आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में बनी इस टास्क फोर्स ने पिछले 4 महीने में दर्जनों गैंगस्टर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन कुख्यात गैंगस्टर और उनके गुर्गे अभी भी लगातार वारदातों को अंजाम देने की धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। इस दरमियान जयपुर जिले के चौमू थाना इलाके में पेट्रोल पंप से कार में 1000 का डीजल भरवाकर गुंडागर्दी पर उतर आए और पंप कर्मचारी ने पैसे मांगे तो कार सवार राजू ठेठ की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। 2 घंटे बाद कार वापस आए और सो रहे पंप कर्मचारी को फिर से राजू ठेठ के आदमी होने की धमकी देकर चले गए। घटना चौमू के रेनवाल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर सोमवार देर रात हुई। पंप संचालक की शिकायत पर चौमू पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पंप संचालक ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि सोमवार रात अज्ञात कार सवारों ने 1000 रुपए का डीजल भरवाया। पंप कर्मी ने जब उनसे पैसे मांगे तो वे राजू ठेठ के आदमी होने की धमकी देने लगे। पंप कर्मियों ने मुझे सूचना दी, मैं मौके पर पहुंचे तब तक कार बिना पैसे दिए मौके से फरार हो गए। वारदात के करीब 2 घंटे बाद बदमाश वापस पंप पर आए और सो रहे कर्मचारी को फिर से धमका कर कहा कि आज तो सिर्फ 1000 रुपए का डीजल भरवाया है, जब दोबारा आएंगे तब 5-7 हजार रुपए का डीजल डालना पड़ेगा, हम राजू ठेठ के आदमी हैं। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ित पेट्रोल पंप संचालक राकेश शर्मा की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। कार नंबर के आधार पर पुलिस ने देर रात कार को पीछा करते हुए इस घटनाक्रम में शामिल हुए 2 आरोपियों विक्रम घायल पुत्र रामेश्वर घायल निवासी वार्ड नंबर 7 खाटू श्याम जी जिला सीकर व सतीश कुमार बागोरिया पुत्र शंकर लाल बागोरिया निवासी करनी कॉलोनी हरमाड़ा को गिरफ्तार किया है।